नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। योग के माध्यम से आप निरोग रह सकते हैं। शरीर के लिए संजीवनी बूटी है योगासन, इसलिए योगासन का साथ आप जरूर अपनाएं। और लोकसभा टीवी अपने दर्शकों को स्वस्थ रखने के लिए हर हाजिर है योग निरोग लेकर। और योग निरोग में आज हम बात करेंगे रजोनिवृत्ति की। स्त्रियाँ जब रजस्वला से रजोनिवृत्ति की तरफ बढ़ती हैं, नजर रजोनिवृत्ति के बाद में ऐसी बहुत सारी बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है जो कि एक आम बीमारियां हैं, लेकिन इसकी वो बात सामान्य तौर पर नहीं कर पाती हैं। तो योग निरोग की आज की इस विशेष प्रस्तुति में बात रजोनिवृत्ति की समस्या की। और रजोनिवृत्ति की समस्या क्या है, इस बीमारी का समाधान क्या है, योगासन के माध्यम से हम कैसे इस समस्या से निजात पा सकते हैं, ये तमाम सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय योग संस्थान के महामंत्री देशराज गुप्ता। देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में। नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों के लिहाज से और हमारे लिहाज से भी हम ये जानना चाहेंगे कि रजोनिवृत्ति है क्या। पराक्रम जी, रजोनिवृत्ति वह प्रक्रिया है जो महिलाओं में एक समय पर डिंब ग्रंथि, जो प्रजनन अंगों का एक भाग है, हमेशा के लिए कार्य करना बंद कर देती है। अर्थात उसने जो हार्मोन्स बनाने होते हैं, जिस हार्मोन्स के कारण महिलाओं में रजोवृत्ति की क्रिया चलती है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है, जब डिंब ग्रंथि से ऐसे हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं और माताओं में मासिक धर्म की प्रक्रिया हमेशा के लिए बंद हो जाती है, उसे रजोनिवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। सामान्यतः यह क्रिया बंद होने का समय 45 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष के बीच में लगभग होता है। ठीक। इससे बहुत पहले हो जाना या इसके बाद होना, इसे एक दोष के रूप में देखा जाता है। अतिरिक्त इसके, जब माताएं रजोनिवृत्ति में, महिलाएं रजोनिवृत्ति में जाती हैं, उससे पहले की अवस्था को रजोनिवृत्ति की पूर्व अवस्था कहा जाता है। ठीक है। उसके दौरान भी और रजोनिवृत्ति होने पर भी माताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्वभाव का चिड़चिड़ा होना जी, शरीर में मोटापा बढ़ना, हड्डियों में खोखलापन आ जाना जी, बालों का झड़ना। अतिरिक्त इसके जो ब्रेस्ट मसल्स हैं उनका ढीला हो जाना, पश्चात इसके कुछ अन्य बीमारियां भी ऐसी, जैसे कि होट फ्लैसीज आना, गर्मी आना, बेचैनी होना आदि आदि, अनियमित, शुरू में अनियमित रज होना जी, वह अनियमित रज जो होता है वो पूर्व अवस्था में होता है, ऐसी कुछ समस्याओं से माताएं उस समय फेस करती हैं। यशराज जी, यदि ये सारे रजोनिवृत्ति के लक्षण हैं तो कारण आप क्या देख रहे हैं, क्या कारण है इसमें, इस बीमारी का? इसमें जहाँ तक कारणों की बात है, कारण तो सबसे बड़ा जो है वो है हार्मोन्स में बदलाव आना जी, रजोनिवृत्ति का। दूसरा, रजोनिवृत्ति रोग नहीं है जी, यह तो है। जैसे मासिक धर्म जीवन में किशोर अवस्था में हमारी बेटियों में मासिक धर्म की क्रिया का एक आरंभ होती है एक दिन, तो यह एक दिन लगभग एक 30 से 35 वर्ष के बाद एक समय आता है कि ये क्रिया हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ठीक। यह दोष नहीं है, यह प्रक्रिया है। हाँ, ये क्रिया है, लेकिन इसके कारण जो दोष आते हैं उनके लक्षण हमने ये आपको बतलाए हैं, चाहे वो होट फ्लैसीज हो, चाहे वो बालों का झड़ना हो, चाहे वो अनावश्यक बाल उगना हो जी, चाहे वो उस समय बीपी का पेशेंट बन जाना हो, शरीर में फैट्स बढ़ना हो, तो ये सब जितने भी बातें बतलाई ये उसके कारण शरीर के अंदर दोष आ सकते हैं। जी, क्या ये माना जाए कि अपने जीवन के इस आयु के मोड़ पर हर महिला को इसका सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं है, बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके सामने कोई लक्षण सामने नहीं आता, वो एक बहुत ही स्वस्थ जीवन जीती हुई रजोनिवृत्ति में चली जाती है। और कुछ महिलाओं में ये भी कारण होता है कि उनकी डिंब ग्रंथि समय से पहले सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। कई महिलाओं में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई और वो उनको सर्जरी के थ्रू यूट्रस ही बाहर निकालना पड़ गया, या कोई और रोग के कारण, माना कि कैंसर की प्रॉब्लम हुई, उनको कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, रेडियोथेरेपी लेनी पड़ी, इन सब के कारण भी यह
ग्रंथि जब काम करना बंद कर देती है तो आप पाएंगे कि ये शरीर में रजोनिवृत्ति आ जाती है। योगा परिपक्व अवस्था में आना और स्वस्थ रूप से आना वह एक अलग बात है। ठीक है देशराज जी, योगासन के माध्यम से इस समस्या का क्या समाधान है? इस जब हम इस समस्या का मतलब मेन हमें समस्या किस रूप में समझनी चाहिए कि उन दिनों शरीर में हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं जी। उन हार्मोन्स में परिवर्तन आने के कारण ही उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है और उनको शरीर के अंदर कुछ लक्षण जो दोषों के रूप में सामने आते हैं उनको ठीक करने के लिए हमें उन आसन और प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हार्मोन्स में जो संतुलन आया है, संतुलन बिगड़ा है, वह बिगाड़ कम से कम हो और शरीर के अंदर दोष सिम्टम के रूप में ना आए। ठीक है, उसके लिए हमारे जहां तक आसनों की बात है, आज हमारे कुछ योग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रभावित करने वाले सारे आसन महिलाओं के लिए इस अवस्था में लाभकारी होंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से आसन है, बहुत संक्षेप में नाम जानना चाहूंगा। आज हमारी जो शिक्षक जो आसन करके दिखाएंगी वो उष्ट्रासन है, शलभासन है, सूर्य नमस्कार है, ये आसन करके दिखाएंगे। अदरवाइज इसके अतिरिक्त पादोत्तानासन, हस्त पादोत्तानासन, बहुत बढ़िया आसन है ये भी। ठीक है, तो रजोनिवृत्ति की समस्या का समाधान योगासन के माध्यम से संभव है। एक नजर डालते हैं आसनों पर। योगासनों में सूर्य नमस्कार अपने आप में एक इतना पूर्ण आसन है जिसमें कि अनेकों आसनों का समावेश है और वह हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों को, भिन्न भिन्न अवयवों को प्रभावित करने वाला आसन है। सूर्य नमस्कार ऐसी महिलाएं जो कि रजोनिवृत्ति के समय पर के समय से गुजरती हैं या उन दिनों वह कुछ विशेष समस्याओं का सामना करती हैं तो सूर्य नमस्कार बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत सुंदर ढंग से प्रभाव में आने पर सशक्त बन जाते हैं और जो रोग लक्षण के रूप में या दोष के रूप में शरीर में आने लगते हैं उनको टाला जा सकता है। आइए हमारे शिक्षक सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आसन का दो तिहाई हिस्सा पीछे और एक तिहाई आगे हो। एड़ी मिलाइए, पंजे खोल दीजिए, दोनों बाजू शरीर के साथ, हथेलियों को बिल्कुल सीधा कीजिए, उंगली अंगूठा मिला हुआ। नमस्कार की मुद्रा में आइए। पहले मंत्र का उच्चारण होगा, सर्वप्रथम मेरे द्वारा बोला जाएगा, उसके बाद आप उसको फॉलो करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, बाजू गर्दन पीछे लेकर के जाएं, श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर इस प्रकार झोंके कि बाजू गर्दन एक साथ रहे। दोनों हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं दाएं टांग को पीछे लेकर के जाएं, पिछली टांग को थोड़ा सीधा करें, कमर के निचले भाग को नीचे दबाएं, गर्दन को पीछे, दूसरी टांग भी पीछे लेकर के जाएं, एड़ियों को धरती पर लगाते हुए ठोड़ी को कंठकूप में लगा दें और कंधों वाले भाग से शरीर को थोड़ा पीछे की ओर धकेलें ताकि आपको आपका पोस्चर बढ़िया बने। स्लांटिंग करें शरीर को, थोड़ा और कीजिए, स्लांटिंग ठीक नहीं हुआ अभी, ये गर्दन को भी सीधा कीजिए, ऊपर नहीं उठानी, सीधा करना है ये। घुटने और छाती धरती पर लगाते हुए माथे को धरती पर लगाएं, पेट वाले भाग को ऊपर उठाएं, शरीर को आगे की ओर खिसकाएं, धड़ को ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर उठा दें, बाजू एकदम स्टैंडिंग पोजिशन में, पीछे पंजे नहीं खुलने चाहिए बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। अब धड़ वाले भाग को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें, एड़ियों को धरती पर टिका दें, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं, बहुत सुंदर। दाएं टांग को आगे लेकर के आएं, दबाइए रीढ़ को, कमर के निचले भाग को नीचे, गर्दन को पीछे लेकर के जाइए, वक्षस्थल को आगे की ओर निकालिए,
दूसरी टांग भी आगे लेकर के आए, दोनों बाजू दाएं बाएं और माथे को घुटने की तरह बढ़ा दें, बाजू गर्दन एक साथ धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें, ऊपर के ऊपर लाकर के शरीर को खींचिए थोड़ा, गर्दन भुजा पीछे, नमस्कार की मुद्रा। बहुत धीरे धीरे वापिस बैठकर विश्राम। इसके बाद हमारे शिक्षक उष्ट्रासन करके दिखाएंगे। अभी उष्ट्रासन भी महिलाओं के लिए बहुत सुंदर आसन है, क्योंकि इसमें पेट वाला भाग, लोअर एब्डोमिनल और अपर एब्डोमिनल दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से प्रभाव में आते हैं, जिससे कि रजोनिवृत्ति के समय यह आसन बहुत लाभकारी है। पर अगर किसी को पेट का हर्निया है, उसे सलाह दी जाती है कि वो इस आसन का अभ्यास ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथ दाईं ओर रख दें, वज्रासन में आएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितना फासला बना लें, पैरों में भी उतना ही फासला बनाएं, दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाएं, अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर लगाते हुए चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर कर दें, अंगूठे वाले स्थान से रीढ़ से पीछे की ओर श्वास भरते हुए झुकें, अधिक से अधिक झुकने पर दोनों हथेलियों को पैरों के तलवों पर लगा दें, जंघा वाले भाग से शरीर को आगे की ओर खींचें, गर्दन को सीधा रखें, बहुत धीरे धीरे वापस आएं, बैठकर विश्राम करें। शलभासन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे। अभी शलभासन में जब हम टांगों को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो इसमें आप पाएंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लोअर एब्डोमिनल पोर्शन पूरी तरह से प्रभाव में आने से महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही प्रभावकारी आसन कहलाता है। शलभासन के लिए अपने आसन पर दाईं ओर पहले शिथिलासन में लेट जाएं, दाईं ओर शिथिलासन, पश्चात शलभासन के लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू शरीर के साथ, थोड़ी धरती पर, दोनों बाजुओं शरीर के नीचे लेकर के आएं, जंघाओं के नीचे हथेलियां, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए दाईं टांग को ऊपर उठाएं, इससे ओवरी वाला भाग और यूट्रस वाला भाग और फेलोपियन ट्यूब वाला भाग विशेषतः प्रभाव में आता है इस आसन के करने से। धीरे धीरे वापिस आए, दूसरी टांग श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, जितना अधिक उठा सकते हैं, जंघा वाला भाग जरूर उठना चाहिए ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रभाव में आना प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे वापिस आए। अब हमारे शिक्षक दोनों टांगों से इस क्रिया को करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही प्रभावकारी क्रिया कहलाएगी। दोनों टांगों को श्वास भरते हुए उठाइए ऊपर, बहुत अच्छे से उठाना है ताकि हमारे दर्शक समझ पाए इसको। बहुत बढ़िया, बहुत धीरे धीरे वापिस आना प्रारंभ करें और बाईं ओर शिथिल आसन में जाएं। बाईं ओर शिथिल आसन में जाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। लगभग 1-1.5 मिनट इस अवस्था में हमें आराम करना चाहिए। पश्चात एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं भुजा सर की ओर लेकर के करवट लेते हुए शवासन में आ जाएं। रजोनिवृत्ति में शवासन का बहुत विशेष महत्व है, इससे तनाव खत्म होता है और जो हार्मोन्स के संतुलन की बिगड़ने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, वह भी ठीक होने लगता है। इसलिए महिलाओं को जो इस अवस्था में पहुंच चुकी हैं, उनको दिन में 8-10 मिनट का सुबह शाम यह आसन लगा लेना चाहिए। पंजों से सर तक, सर से पंजों तक शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ उनका मानसिक अवलोकन करते जाना और अपनी अंतरंग अवस्था में पहुंचना शवासन कहलाता है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लें, कोहनी और कलाई का सहारा ले उठ बैठें।
सारे आसन रजोनिवृत्ति की समस्या के समाधान के लिए बहुत लाभकारी आपके लिए साबित होंगे, खासकर से महिलाओं के लिए साबित होंगे। देशराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से निषेध करने चाहिए। जी, जो आपका सूर्य नमस्कार है पराक्रम जी, इसमें कई पोजेज ऐसे आते हैं जो पश्चिमोत्तानासन का पोज बनता है जिसके अंदर, उसमें कमर दर्द के रोगियों को वह आसन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से उष्ट्रासन में हमने बतलाया है अभी अपने दर्शकों को कि उसके अंदर जिनको हर्निया की शिकायत है वो इसको ना करें। शलभासन का जो है, जिनको अल्सर की शिकायत है और हर्निया की शिकायत है, दोनों ही दोष में से कोई भी दोष है, उनको वह आसन नहीं करना चाहिए कि उसमें उनको नुकसान या हानि होने का एक खतरा बना रहता है। ठीक है, अब फिर वही बात प्राणायाम की कि प्राणायाम इसमें इस समस्या को लेकर के क्या कोई एक समाधान। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि रजोनिवृत्ति के अंदर जितने भी दोष आते हैं उसका मुख्य कारण शरीर के अंदर हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना है जी, और प्राणायाम हार्मोन्स को संतुलन करने के लिए बहुत महान विद्या है। इसमें 3-4 प्राणायाम ऐसे हैं जो कि महिलाओं के लिए रामबाण का काम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये 3 प्राणायाम माताओं को अवश्य करने चाहिए जो रजोनिवृत्ति में जा रही हैं या उसकी पूर्व अवस्था में हैं। अगर वह प्रतिदिन इनका अभ्यास करेंगी तो इससे उनके जो हार्मोन्स का संतुलन है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा और उन उस अवस्था में जो दोष शरीर में आने हैं उनसे वो बच पाएंगी। आज हमारे शिक्षक उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करके दिखाएंगे। ठीक है, तो रजोनिवृत्ति की समस्या के समाधान के लिए एक नज़र डालते हैं प्राणायाम पर। उज्जयी प्राणायाम के लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, दाएं टांग को मोड़कर एड़ी को बाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें, बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को दाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जीभा को मोड़कर ऊपर वाली अपर प्लेट ऊपर वाले तालू में लगाएं, पेड़ों और कंठ की मांसपेशियों का संकोचन करें और लंबा मधुर और लयबद्ध खराटा श्वास भरते हुए और निकालते हुए लें और छोड़ें। करने से धीरे धीरे वापस आए। जिन दिनों हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है माताओं में एक दोष आने की विशेष समस्या बनी रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम होना। जब इस प्राणायाम का अभ्यास माताएं जो महिलाएं करेंगी रेगुलर, इस बात को अच्छी तरह से हमारे दर्शक सुन रहे होंगे मैं आशा रखता हूं कि जब इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो रजोनिवृत्ति के समय माताओं में थायराइड का रोग बहुत तेजी से आने की संभावना बढ़ी रहती है। अगर इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो थायराइड की प्रॉब्लम से भी बचने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो रजोनिवृत्ति की समस्या के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, साथ ही साथ महिलाओं में थायराइड की समस्या को लेकर के भी उज्जयी प्राणायाम के जरिए इसका समाधान संभव है। देशराज जी, बंद क्या है और कौन कौन से निषेध हैं प्राणायाम के तौर पर रोगियों के लिए, क्या कहेंगे? उज्जयी प्राणायाम में हमने कहीं पर भी आपने देखा श्वास नहीं रुकवाया जी, तो इसलिए इस प्राणायाम को सभी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा परहेज नहीं है कि किसको करना है किसको नहीं। जहां तक आपने बंधों का प्रश्न किया तो दो बंध बहुत ही प्रभावकारी हैं महिलाओं के लिए, एक आपका मूल बंध और एक उड़ियान बंध, बल्कि जलंधर बंध भी, तीनों ही बंधों का अभ्यास। उड़ियान बंध इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उड़ियान बंध से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रभाव में आते हैं, पर बंधों का अभ्यास महिलाओं को करना चाहिए। जहां तक भोजन की बात है, भोजन में कुछ ऐसी हरी सब्जियां जैसे पालक का साग है, बंद गोभी है, गाजर है, बाकी हरे साग हैं, ब्रोकली है, बीन्स हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अनानास है,
मौसमी है, फल हैं, सलाद हैं, इनका उनको ज़्यादा सेवन करना चाहिए उन दिनों। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस समस्या के लिए क्या कोई अन्य सुझाव आप महिलाओं दर्शकों को देना चाहेंगे? जब उन दिनों एक हॉट फ्लैशेस से महिलाएं गुजरती हैं जी, जिसमें कि उनको बहुत तेज गर्मी लगना, सभी को ऐसा नहीं होता, कुछ माताओं को हो सकता है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, तो इसमें महिलाओं को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए उन दिनों, अगर वो सुबह खाली पेट लगभग 3 महीने 4 महीने 5 महीने कोई परहेज नहीं है इस बात का, 15 मिनट तक प्रातः एक टब में पानी भर लें और कटी स्नान करें, उसमें बैठें बस, ये एक बहुत अच्छी क्रिया है। जिन माताओं की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं उनको पूरे शरीर पर तिल के तेल की मालिश करके और 10 से 12 मिनट प्रतिदिन 5 से 6 मिनट शरीर के ऊपरी भाग पर और 5 से 6 मिनट पीछे वाले भाग पर आगे से और पीछे से सनरेज धूप स्नान करना चाहिए प्रातः के समय, जिस समय सूरज निकलता है। देशराज जी, इस समस्या का समाधान क्या ध्यान में है, मेडिटेशन कोई साबित कर सकता है एक अहम रोल? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया पराक्रम जी, कि ध्यान की इसमें क्या भूमिका है। जब हार्मोन्स बदलते हैं, स्वभाव बदलता है, क्रोध आता है, तो उसमें तनाव बनने लगता है महिलाओं को, और तनाव बनने से कई बार महिलाएं और अनेकों रोगों से पीड़ित होने लगती हैं, और जब ध्यान का अभ्यास किया जाता है तो मन शांत होने लगता है और तनाव कम होने लगता है। जब मन शांत होता है और तनाव आपका कम होता है तो हार्मोन्स का संतुलन भी दोबारा से ठीक होने लगता है और अनेकों रोगों से महिलाएं बच सकती हैं। देशराज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें और हमारे महिला दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजोनिवृत्ति की समस्या जिसका समाधान योगासन के माध्यम से आप कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि शारीरिक बीमारियाँ जो भी हैं उसमें आप निसंकोच होकर के इसका निष्कर्ष निकाल करके, योगासन को अपना करके, इसके बारे में विमर्श करके, बात करके आप इसका समाधान पा सकती हैं। ध्यान रखिए, संकोचवश अपनी किसी भी बीमारी को ना छुपाएं, और योगासन के माध्यम से हर बीमारी का समाधान है। ये तमाम सारे आसन महिला दर्शकों के लिए हमने यहाँ पर हमारे योग शिक्षकों ने आपको करके बताए। हम उम्मीद करते हैं कि इन आसनों के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आप सभी दर्शकों को ये कार्यक्रम कैसा लगा इसकी जानकारी आप हमें पत्र लिखकर दे सकते हैं। आप हमें अपने टीवी स्क्रीन पर आ रहे इस पते पर पत्र लिख सकते हैं, लोकसभा टेलीविजन, FB116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 11001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं yognirog.lstv@gmail.com पर। ईमेल के जरिए आप अपने समस्या और अपने सवाल भी हमसे कर सकते हैं। योग निरोग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।